हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे साबुन बनाने की वीडियो। ये बहुत ही इजीली बन जाता है घर पर। हम जैसे दुकान से लाकर इसको यूज करते हैं, अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो ये आपके त्वचा को बहुत ही अच्छा निखार देगा और एकदम से सॉफ्ट रखेगा। हम जो बाज़ार से ख़रीद कर साबुन लाते हैं उसमें केमिकल्स बहुत आते हैं, लेकिन हम इसको विदाउट केमिकल्स के बनाएंगे और हम इसको एकदम ईजिली बनाकर रेडी कर लेंगे। और आप जब इसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो आप खुद से ही देखेंगे कि हमारे होममेड बनाया हुआ साबुन कितना बढ़िया और परफेक्ट है बिना केमिकल के। तो मैंने लिया है एलोवेरा। एलोवेरा को मैंने अच्छे से जो इसके अंदर का पल्ब है वो निकाल लूँगी मैं और एक बाउल में कर लूँगी। सारा पल्ब मैंने अच्छे से निकाल लिया है। मैं इसको एक ग्राइंड जार में डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर आलू भी ऐड कर सकते हैं, फिर चावल भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, स्किन एकदम से साफ़ हो जाती है। और एलोवेरा के गुड़ तो आप जानते ही हैं ये कितना फ़ायदेमंद होता है। मैंने इसको एकदम से पीस लिया था बारीक महीन। अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें गुलाब जल। आप चाहें तो इसे किसी मेडिकल या फिर किराना स्टोर से भी ले सकते हैं, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब ले रही हूँ मैं विटामिन सी का कैप्सूल। विटामिन सी के कैप्सूल जब हम साबुन में ऐड करेंगे तो जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं वो सब साफ़ हो जाएंगे। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ले इसको साइड में रख दूँगी और अब मैं ले रही हूँ साबुन का बेस। ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आप इसको मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं, ये ईज़िली मिल जाएगा मार्केट में भी। अब मैं इसको बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये नाइफ से एकदम कट जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये साबुन जब आप घर पर बनाएंगे तो फिर आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। अब मैंने एक पैन में पानी लिया था और इसको मैंने उबलने के लिए पहले से ही रख दिया था। और एक ऐसा ही बर्तन जो थोड़ा बेकार सा हो उसमें मैंने साबुन के बेस को ऐड कर दिया था और ऊपर से इसको रख दिया था। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो साबुन का बेस था वो अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब जो मैंने एलोवेरा का पेस्ट बनाया हुआ था उसको हम साबुन के बेस में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ ये साबुन जमाने का मोल्ड। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, आप चाहें तो इसको मार्केट से भी ला सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जब साबुन बन जाता है तो इससे आसानी से बाहर निकल जाता है। अब मैं सभी में साबुन का जो लिक्विड था वो ऐड कर दिया है और अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए रख देंगे। ये एकदम से जम जाएगा। देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ये कितना ईजिली निकल गया। देखिए क्या परफेक्ट सॉप बनकर रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये सिर्फ हमने एलोवेरा और गुलाब जल और विटामिन सी के कैप्सूल से ही इसको बनाया है, कोई केमिकल नहीं डाला। एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और जब आप इसको घर पर बनाएंगे तो बाज़ार से साबुन लाना भूल जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ जो एकदम सिंपल और ईजी होगी। तब तक के लिए बाय।